और दूर जाना। देखिए आज मुझे ये घटना की जब जानकारी लगी, मैं महादेव की पूजा कर रहा था अदालत के सामने, न्यायाधीश्वर महादेव हैं। जैसे ही मैंने मोबाइल की फेसबुक खोली, पूजन पाठ सब चीज से निवृत्त होकर के, तो मुझे पोस्ट दिखाई दी आदरणीय विजय शर्मा जी। उसमें मैंने जैसे ही ये दृश्य देखा तो मेरी आत्मा बिल्कुल पूर्ण रूप से झकझोर गई थी और पूर्ण रूप से मेरी आत्मा बिल्कुल हिल गई थी कि बाबा महादेव की शिवलिंग नीचे पड़ी हुई थी, छत विक्षत स्थिति में थी और साथ ही पुजारी जी का फोटो और उनके पुत्र का फोटो, उसके ऊपर तांत्रिक प्रक्रिया करते हुए किसी ने इस प्रकार का दुष्कृत किया। मंदिर जो होते हैं, मठ जो होते हैं, वो हमारे आश्रम जो होते हैं, वो हमारी सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर होते हैं और इन अनमोल धरोहर को सहेजने का, इनको बनाने का, इनको सुरक्षा देने का हम सभी सनातनी कर्तव्य है। आज सनातन धर्म प्रेमी बंधु पदाधिकारी, सनातन संस्कृति के जितने भी हमारे धर्मावलंबी हैं, जो भी हमारे समाज सेवी हैं, जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, जो भी किसी भी पार्टी के, अन्य पार्टी के समाज सेवी धर्म संस्थाओं के सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर तय किया है कि शीघ्र जिस व्यक्ति ने भी इस प्रकार का दुष्कृत किया है उसको तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करवाते हुए तुरंत सजा दी जाए, अन्यथा सारा हिंदू समाज आक्रोशित होकर के इस बेरसिये के अंदर आने जानकारी पूरी लेंगे कि यहाँ पे कैसा क्या हुआ है और क्या घटना हुई है। पंडित जी आपका क्या परिचय है? हमारा प्रकाश पुजारी है पंडित जी और 25-26 वर्ष हमको यहाँ पूर्ण पूजन करते हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन पिछले एक वर्ष से यहाँ ऐसा घटना घटित हो रही है। कुछ लोग रात्रि में 8-9 के बाद 10-20 तक आते हैं दर्शन करने के लिए। इनमें कुछ तांत्रिक लोग आते हैं जो इस मंदिर में शराब के पौगा वगैरह, नींबू वगैरह, नारियल वगैरह, जो भी तांत्रिक विद्या का आइटम होता है वो सब ये भगवान के सामने, शंकर भगवान के बाजू में पूजन करके जाते हैं। और कभी कभी आज तो ये हुआ है कि मतलब पिंडी ही गिरा के चले गए शंकर जो शिवलिंग होता है उसके छेड़खान की है, शिवलिंग की छेड़छान की है और वहाँ के कुछ टालसे भी फूटे हुए हैं। आज उन्होंने बड़ी सेव की है, यहाँ अंडा भी मिला है रखा हुआ, अन्य प्रकार के सामग्री भी मिली है और इसी प्रकार से शराब के पाव मिले। और कुछ लोगों ने हमें बताया है कि वहाँ पे आपके और आपके बालक का फोटो रख के उसकी पूजा की गई है, वो क्या मामला? हमारे बालक की और हमारी फोटो बड़ी तस्वीर बनवाई है और उस पे पूजन की है दोनों की। ये तीसरी पूजा कर चुके हैं हमारी, पहले एक बार फोटो रख गए थे अकेले की, फिर बालक की और हमारी पूजा की, अब इस बार शराब अराब आदि रख कर पूजन करके गए हमारी। अब इसमें आप शासन प्रशासन से और अपने हिंदू भाइयों से क्या चाहेंगे? आपको हम ये चाहते हिंदू भाइयों से कि हमारी रक्षा करें, हम आप ही लोगों की रक्षा के लिए भगवान तक आ रहे हैं और आपकी प्रार्थना कर रहे हैं और आप ही से हम ये चाहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और गरीबी स्थिति में पूजन पाठ कर रहे हैं, जो इंसान हम भक्त हमको पूजन पाठ में जो दान दक्षिणा दे के जाते हैं उससे हम पेट भरते हैं, वरना हम किसी से जबरदस्ती किसी से नहीं लेते। महादेवाय धीमहि तन्नो हरः प्रचोदयात्।